Singh is an Indian wrestler, actor, motivational speaker, and philanthropist known for his remarkable journey from overcoming severe health challenges to becoming a world-renowned athlete. He has won prestigious titles like the WWE Commonwealth Heavyweight Championship and the gold medal at Johnny Ritz Big Five Wrestling Competition. Beyond sports, Sangram is a strong advocate for health, fitness, and social welfare. Sangram sir promotes ethical living, refusing endorsements for products he don't use. He defies stereotypes by donating his organs, inspiring many in Haryana to do the same. He has received numerous accolades, including the Bharat Gaurav Award and the Rajiv Gandhi Rashtriya Ekta Samman. As a motivational speaker, he has inspired youth across India and has been honored in textbooks as a role model. Through his foundation, he offers scholarships to underprivileged students and promotes fitness worldwide, furthering his legacy as a changemaker and an inspiration to millions. May I please request Mr. Sangram sir to kindly deliver the address. सबसे पहले सबको नमस्ते और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि और मेरे साथ अभी राजकिंद जी बैठे हैं, मुकुल जी बैठे हैं, सर बैठे तो मैं समझ गया था कि राजकिंद सर पक्के मारवाड़ी है। मैं बता दें वो बिजनेस साइंस वही हो सकता है ना, तो सीखना चाहिए। तो मैं आज आप सबको थोड़ी सी कुछ बात बता रहा हूँ और मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, शायद आपकी जिंदगी में काम आएंगे। देखिए, आपने यहाँ से डिग्री पा ली है, अब आप मैनेजमेंट तो करोगे, आगे जाके कंपनीज में करोगे, कोई अपनी कंपनीज खोलेगा, कोई कहीं जाएगा। उससे पहले आपको अपनी जिंदगी मैनेजमेंट करना है, अपनी हेल्थ का मैनेजमेंट करना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कुछ कर सकते हैं आगे। सेकेंड थिंग कि आप लकी हो, आपने डिग्री मिली। हम कोशिश करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कोशिश करते हैं। मैं सब कोई बात बोलता हूँ कि चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है, किसी फील्ड में टॉप करता है। कोई फील्ड है, चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। तो आप सबको जिंदगी में लगातार कोशिश करते रहना है। थर्ड थिंग, पद कोई भी पोस्ट मिलती है, पद मिलता है, वो सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत कमाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। तो वी हैव टू मेक एफर्ट, कंटिन्यू। फोर्थ, आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, पेशेंस और सेल्फ बिलीव, ये पांचों शब्द आपके अच्छे समय के गवाह बनेंगे। तो आपको ये चीजें छोड़ना नहीं है। और जैसे मुझे जब पहले फोन आया, बोलते हैं तो भैया आईएम वाले नाराज हो जाएंगे, तो पहले फोन आया तो धीरज सर को मैं जानता था पहले से भी, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे बोल रहे हैं। और मैं फिलहाल बाहर था, मतलब दिल्ली आया था बैंकॉक से, क्योंकि मैं अभी एमएमएम डेमो करने जा रहा हूँ। अब एज ऑफ 40 आई एम गोइंग टू डेमो इन एमएमए एंड आई एम द फर्स्ट फेल रेसलर हु इज टर्निंग रेसलिंग टू एमएमए, सो इट्स जस्ट नंबर। सो मैंने कहा कि मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें पक्का आऊंगा। तो थैंक यू फॉर आई एम रोहतक फॉर इनवाइटिंग मी और इट्स प्लेजर टू बी हेयर। फिर सबसे एक बात आपको, एक सब एक अच्छी बात बता रहा हूँ, याद रखना कि सक्सेस क्या है जिंदगी में। सक्सेस वो नहीं है कि हमने पैसा कमा लिया, हम बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, हमने बंगला हो गया, गाड़ी हो गई, या किसी एंटरप्रेन्योर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, स्पोर्ट्स स्टार बन गए, फिल्म स्टार बन गए, ब्यूरोक्रेट्स बन गए। जो खुश है वो कामयाब है। और मेरे हिसाब से हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म सक्सेस। और भैया मेरे हिसाब से सक्सेस वो है कि जिससे जो भी आप चीज पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो काम करके फेल हो जाना सक्सेस है कि दूसरी फील्ड में टॉप करने के मुकाबले। तो हमेशा अपने आप को पहचानो, अपने उस पर काम करो। और सही सफलता क्या है कि अपने इमोशंस को मैनेज करना। जिसने अपनी मानसिक स्थिति को मैनेज कर लिया वो सक्सेसफुल है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जब पैदा हुआ ना तो शिव का अवतार था, भगवान शिव, लोग शिव, द्रोणाचार्य उसके पिताजी थे। उन्होंने पैदा हुआ तो उसको ढेर सारे दिव्यास्त्र, इन सब ज्ञान दिया। वो जब पैदा हुआ तो बच्चे की तरह रोया नहीं, घोड़े की तरह दाड़ा था, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा था। वो मणि उसके पास थी कि उसको कोई मौत, उसको कोई आपदा, कोई चीज उसको मार नहीं सकती, मतलब उसकी मौत नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी वो अर्जुन जीतना या कर्ण जीतना, उतना एकलव्य जीतना, इतना बड़ा धनुर्धर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वो अपनी मानसिक स्थिति को मैनेज नहीं कर पाया।
तो कोई भी सिचुएशन आए भैया आपको ये मेंटल अपनी जो मानसिक स्थिति उसको मैनेज करना है। देखो मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। वो कहते हैं ना कि हाथ पसारे मुट्ठी बांधे जम लिया, हाथ पसारे जाना है। इस तरह का इस तरह पर सब तरह रह जाना है। हम सुई लेके नहीं जा सकते, हम कितना ही कुछ कर ले। और पैसा फेम इंसान जैसे आता वैसे ही जाता है। तो अगर आप अच्छा कार्य करोगे अच्छे तरीके से आएगा तो अच्छे तरीके से जाएगा, और आपने गलत कुछ कमाया गलत कुछ किया तो वैसे ही जाएगा। तो अब एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कुछ दिन पहले, इस इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो मैंने कहा मैं ही हूँ। तो पत्रकार प्रणाली नाम साहब मतलब भैया पहलवान आपके थोड़ा सा मतलब कम दिमाग होता है वैसे पागल हो गया, बाकी बार वाले ही सोचते। तो थोड़े दिन बाद उसको हार्ट अटैक आया, तो फिर ठीक हुआ। फिर उसने मुझे फोन किया, तो उसने पहले मुझे बोला कि आप अंबानी या अडानी या बाकी कौन जानते? मैं जानता हूँ। तो फिर उसने फोन किया कि यू आर राइट, कि भैया जिसकी हेल्थ अच्छी है जिसकी सोच अच्छी है तो वो इस भारत का नहीं संसार का सबसे अमीर इंसान है, सबसे बेहतर है। और दूसरी चीज एक आपको याद रखना है, मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। कोई भी कार्य करो, आपके कोई भी कार्य वो ऐसा होना चाहिए, कार्य वो सही नहीं होता कि जिसका परिणाम सही हो, कार्य वो सही होता है जिसका उद्देश्य सही हो। कहीं पे भी आप जाते हो, जो आपका वर्क प्लेस है या कहीं भी जाते हो, ऐसे जाओ कि भाई आप मंदिर में जा रहे हो, बड़ा ईमानदारी से काम करना, फिर देख लेना कोई भी सफलता। और दूसरी बात, जिंदगी में आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट, आई एंजॉय प्रोसेस। तो सफलता इसफलता कुछ नहीं होती है, जो प्रोसेस है उसका मजा लो, उसका आनंद लो, उसको एंजॉय करो। तो हम काफी ढेर सारा अपना लगा देते कि भैया पैसा कमाना है वो हासिल करना है। फिर उसने कहा कि भैया आप संसार के वाकई सही इंसानों के वहां तक पहुंचे, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट था। रूमेटिक अर्थराइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं कि भैया ये बीमारी 99.9% डेथ के साथ जाती है। मगर मैं कहता हूँ कि हर चीज क्योरेबल है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि भैया जो ठीक नहीं हो सकती। आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स, मगर पिछले 30-32 साल से ना उनकी मानता हूँ ना उनकी सुनता हूँ ना जानता हूँ, मगर आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स। मगर याद रखो कि नेचर से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। अगर आप नेचर के दोस्त बन गए ठीक है। आजकल मैं देखता हूँ कि मेरे ढेर सारे युवा दोस्त हैं उल्लू बन जाते हैं। उल्लू पता क्या होता है? पूरा जागता है, फिर दिन में सोता है, फिर बोलेंगे आई एम पार्टी एनिमल, आई एम पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल पता क्या होता है? 40 के बाद फिर चलते फिरते कैबिस बन जाते हैं, 4 बजे खानी है, 7 बजे खानी है, 8 बजे खानी है, फिर वो पार्टी एनिमल बन जाते हैं। तो भैया वो आप नेचर इज आर फ्यूचर। अगर आप नेचर के दोस्त नहीं बनोगे ना तो उसका फायदा नहीं है। पहले मुझे पता नहीं था, जो जो इस पर समझ में आ रहा है कि भैया जितना सामान कम रहेगा उतना हम आगे जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। एक टाइम होता था मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था, मेरे अकाउंट में 220 रुपये होते थे, मैंने 250 रुपये कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। पता क्यों छोड़ा था? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में खुद नहीं पीता। अगर मान लो मुझे एक बच्चा फॉलो कर रहा है, अगर मुझे एक बच्चा फॉलो कर रहा है तो मैं माँ उसको मतलब उसको गलत चीज प्रमोट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलत है, सब अलग है, मगर मुझे काफी बुरा लगता है कि ढेर सारे इंटरटेनमेंट वाले, यानी देखो हीरो वो नहीं होता कि भैया जो फिल्मी हीरो है या कोई, हर वो इंसान हीरो है जो समाज के लिए देश के लिए अच्छा कार्य करता है। सारे हीरो आर्मीमैन भी नहीं है, सारे हीरो डॉक्टर भी नहीं है, सारे हीरो स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं है, सारे हीरो कोई नहीं है। जो भी अच्छा काम कर रहता है, जो भी अच्छा कार्य करता है, हर वो इंसान हीरो है। तो जैसे इंटरटेनमेंट वाले ढेर सारे गुटखा बेचते तंबाकू बेचते, आप अपने कुछ स्पोर्ट्स में भी आ गए, क्रिकेटर भी नोटेबल क्रिकेटर हो गुटखा बेचते, देखो वो उनकी पर्सनल च्वाइस है। मगर याद रखो कि अगर आपको एक बच्चा ही फॉलो कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो भैया आप सबको सही मैसेज देना है। जब मैं जुड़ा एंटी टबाक कैंपेन से तो मुझे पता चला कि हर साल 16 लाख से ज्यादा इंसान अपने देश में टबाक के कारण मरते हैं, जिसमें से 3.5 लाख 12 साल से 25 साल के बीच में बच्चे हैं, जो इनको देख के फॉलो करते हैं वो सब करते हैं, बाकी चीज ये होता है। तो मेरी लाइफ में मुझे मौका मिला ढेर सारे, मेरा जो इंजेक्शन और मोटिवेशन है, पहले मैं खड़ा हुआ, फिर मौका मिला अपनी कंट्री के लिए खेला, वहां से ठीक होके, फिर मुझे पता नहीं था कि भैया मोटिवेशनल स्पीच क्या होती है। फिर मैं आया तो मैंने देखा कि भैया कोई एक इंसान था, बड़ा मोटा सा था, बोल रहा था सुबह 4-4:30 बजे उठना चाहिए करना चाहिए, मैं वहां पे ऐसे ही आपकी तरफ बैठा। तो मैंने कहा अगर ये 4:30 बजे उठता तो फिट तो हो जाता है यार, मैं क्योंकि मैं इससे लेट उठता हूँ।
तो मैंने पूछा तो फिर देखा, कहते ना कि ठोकर खा खा के ठाकुर बनते, सीधा ठाकुर नहीं बनते। तो फिर मैं बहुत शायद था टीवी पे, ढेर सारे टीवी शोज किए, फिर अब मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। फिल्म भी देखो, याद रखो मैं बड़े बड़े स्टार की फिल्म छोड़ देता हूँ, मैं नेगेटिव रोल नहीं करता। एक नोटेबल स्टार था, एक तो वो मेरा बाहर न्यूज आ गई थी, तो दंगल में कुश्ती में हारना था, तो मैंने बोला भाई साहब हॉकी में शौक मार लो, बास्केटबॉल में मार लो, कुश्ती में हारूँ, मैं छोटा सा रेस्लर हूँ, तो मैं अपने स्पोर्ट्स को पेड़ प्रमोट करूँगा। तो एक नोटेबल एक्टर था, उसने मुझे फोन किया कि भैया ये फिल्म है, बहुत कमाल की फिल्म है और ये सब है। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, बोला नहीं आपके अनुसार कर लेंगे। तो मैंने ऐसे मजाक में किया, भाई हम तो हीरो पैदा हुए थे, हीरो ही बनेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छी चीजों करनी है। और याद रखो, किस्मत है ना मेहनत को सलाम करती है, ऐसा कोई लक्ष्य है जिसको हम नहीं पा सकते। और एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि भैया कोई बहुत से बोल देता कि यार वो ये कह रहा था, दूसरा ये कह रहा था, तीसरा ये कह रहा था। आजकल मुझे मौका मिलता है IIT IIM हार्वर्ड तक जाने का, मैं तो 33% वाला स्टूडेंट हूँ। एक आप सबको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पढ़ाई को कभी सीखने के पीछे मत आने देना, क्योंकि हमारी पढ़ाई सही सही शिक्षा पद्धति नहीं है, अंग्रेज आए थे चेंज कर दी। अब आजकल स्कूलों में हर जगह कहाँ क्या पढ़ाते हैं, त्रिकोण, समकोण, षटकोण, H2O पानी का फॉर्मूला, कभी हमें H2O काम आया प्यास लगे तो पानी पीना पड़ता है ना। जो जिंदगी का दृष्टिकोण है वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता, वो आपको सीखना पड़ेगा, अनुभव से सीखना पड़ेगा। और कितने ज्ञानी बन ले, अनुभव मूर्ख बनने के बाद जाता है। तो कभी भी जिंदगी में मूर्ख बनने से डरना नहीं है, वो सीखना है। और एक भगत का और जगत का हमेशा बैर हुआ, अभी मैं सर से डिस्कस कर रहा था, यानी आप अच्छा कार्य करोगे तो 10 आपकी टांग खींचेंगे, आपको रोकेंगे, आपको सब वो करेंगे। अब भगत सिंह साहब, भगत सिंह जी के बारे में जानते हो ना, जब वो जेल में बंद थे ना, सब उनको आतंकवादी बोलते थे, ये बोलते थे टेररिस्ट है, कहीं उनको बचा सकते थे, नहीं बचाया गया। मगर देखो समय कितना बड़ा बलवान है, समय का पहिया ऐसा घुमा कि भैया आज भले ही भगत सिंह साहब की नोटो फोटो नहीं है, मगर हिंदुस्तान का, भारत और पाकिस्तान का शायद कोई ऐसा कलेजा होगा जहां पे भगत सिंह साहब की फोटो नहीं होगी, हर दिलों में उनकी फोटो है। और इतिहास है ना, इतिहास, इतिहास याद रखना, इतिहास त्यागी का लिखा जाता है, भोगियों का इतिहास नहीं लिखा जाता। तो आपको अच्छा करने के लिए, सम्मान पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। लेने से याद रखना, कोई कुआ है, अगर वो अपना पानी देगा उसको ढक देंगे ना, थोड़े दिन में उसका पानी खराब हो जाएगा। ये जीवन एक धारा की तरह है, अगर हम बहते रहे तो ठीक है, अगर रुके तो सड़ जाएंगे। तो जिंदगी भी वही है। महर्षि दयानंद जो अच्छा कार्य करते थे, उनको जहर दिया गया था, 16 बार जहर दिया गया उनको, फिर 17वीं बार योग विद्या से बच गए, 17वीं बार कांच पीसा गया, एक महीने तक कांच पीसा गया। दीपावली की रात को उनका रसोईया होता था जगन्नाथ, उसने उनको जब जहर दिया तो कांच से निकला, तो उसने उनको बुलाया और पैसे दे के भेजा कि भैया आप चले जाओ, नहीं तो आपको ये मार देंगे। तो क्या है कि अच्छा कार्य जब हम करते हैं तो कुछ हमारे एंटी हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, मगर ये वो नहीं है। और एक और बात बता रहा हूं, तो याद रखना कि हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, और विरोधी नहीं तो भैया प्रगति नहीं। तो जिंदगी में जितने आपके विरोधी है, कुछ भी है, याद रखना है। और मैं एक छोटी सी बात, एक बात बोलता हूँ, हमेशा एक बात कहता भी हूँ कि याद रखो कि किसी ने तारीफ करती, तारीफें दिन बनाती है, और ताने जिंदगी। तो याद रखो कि आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। अब मैं सारे कार्य वो कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। जब भी मेरी लाइफ में कंफर्ट जोन आता है मैं छोड़ देता हूँ। तो भैया मैं तो स्टॉप पे बैठा हुआ हूँ, नीचे बैठूंगा तो बम जल जाएंगे, खड़ा हुआ तो आज खत्म हो जाएगी। आपको भी वही रखना है। और बड़ा वो है जो दे के जाता है। आपको मिल गया, आप बहुत लकी हो कि आप जहां से आ गए, अब आप क्या दे सकते हो, कितने उस बच्चे को तैयार कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो वो आप सबके ऊपर है। क्योंकि देखिए, ये देश किसी नेताओं से नहीं बनता, ये देश किसी एंटरप्रेन्योर से नहीं बनता है, देश किसी कुछ इंसानों से नहीं बनता है। देश आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्सा काम कर लिया, तो भैया हमारे लिए देश बनना भी स्टार्ट हो गया। तो याद रखना कि और इस देश को है ना, इस देश को कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर या कोई नेता या दूसरे वो नहीं चलाते, मास्टर का, कुम्हार का, लोहार का, मजदूर का, किसान का बेटा बेटी देश चलाते हैं। और वो हम सब में से एक है इंसान, छोटे से बड़ा बनता है, बड़े से बड़ा नहीं बनता है। मगर साथ में आपको जिंदगी को एंजॉय भी करना है, खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं हो ना, जो कार्य करो फिर फायदा क्या उसका, किसके लिए कमाओगे? अब देख रहा हूं मैं, आप सब ने डिग्री तो ले ली है, मगर आप सब में से फिजिकली और फिट होना है तब वो एक्चुअली डिग्री है।
अपने आप गिफ्ट देना कि भैया नेक्स्ट मेरा बर्थडे ये है तो मैं करूंगा। अब मैं कहीं चला जाता हूँ, कोई बोलता है चाय कॉफी दे लो, तो बोलते बीमार थोड़ी हूँ, चाय कॉफी तो बीमार पीते हैं। वो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने कई चीज ऐसी छोड़ी कि वो हमने पकड़ ली जो खराब थी, अच्छी चीज थी उनकी हमने रखी नहीं, अच्छी चीज था उनका टाइम पंच हुए थी अच्छी थी, उनकी कार्य प्रणाली उनकी ठीक थी वो हमने छोड़ दिया। देखो क्या है कि जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, अपने आप को नहीं करोगे, तो भी आप गुलाम ही हो। अगर आपको एक्चुअली आजाद होना है तो विचारों से आजाद होना है। और एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो भैया अपना सारी चीजें कर लो। बहुत से बोलते हैं ना कि आई एम बिजी, तो वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। जब इंसान है कुछ भी है, और बहुत से बोले आई एम देव फॉर यू। अरे भैया पहले अपने लिए तो हो जाओ, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना तो अपने दोस्त बन जाओ। जो कहते हैं ना आई एम देव फॉर यू, वो किसी का दोस्त नहीं होता, ना अपने परिवार का, ना भाई बहन का, ना अपनी बीवी का, ना बच्चों का, ना उसका। तो भैया अपने लिए टाइम निकालना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी जहां पे भी आप हो, हमेशा अगर आपको सबसे अच्छा सीन देखना ना, तो किसी महापुरुष को, किसी अच्छे इंसान को विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ जूझते हुए देखना होता है। एक जहाज, याद रखो जहाज कहाँ पे, जहाज है ना किनारे पे, बड़ा सुरक्षित है, बना किस चीज के लिए है, बड़े बड़े तूफानों का सामना करने के लिए, उनमें चलने के लिए, उनमें आगे बढ़ने के लिए। और अगर हमारा लक्ष्य सही है ना, बोलते बोले जी काम कर रहा हूँ, मैं तो काम करता हूँ, काम तो दिमाग भी करता है, दिमाग काम करता है 24 घंटे विनाश के लिए। तो एक जो भी बता रहा हूँ, शिक्षक और माता पिता वो कोई साधारण नहीं होते, उनकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। अगर डॉक्टर खराब निकला क्या होगा, 50-100 आदमी टाइम से पहले भेज देगा। एक इंजीनियर खराब निकला क्या होगा, 50-60-70 को वो कर देगा, मतलब टाइम से पहले चले जाएंगे, पुल गलत बना दूसरे गाड़ी गिर जाएंगे। एक शिक्षक अगर अपने सही नहीं अपनाता, सही चीज नहीं करता, तो भैया देश का भविष्य जो देश की फाउंडेशन है ना, उसको नुकसान पहुंचा देता है। और भैया ये वैल्यू जो करो, अब मैं काफी में घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ ढेर सारे माता पिता ना, वो कहते हैं कि वो मेरा बेटा क्यों ना पैकेज दे रहा है, मेरी बेटी क्यों ना पैकेज दे रही है। वो मैं कहता हूँ कि वो उनके अंतिम संस्कार पे नहीं आते, जोड़ो वाले। अगर आपका बेटा बेटी आपका भाई बहन आपके साथ बैठे खाना खा रहा है और 5,000 रुपये कमा रहा है, तो उसके रोज से लाख ना कीमती है। तो अपनी सोच बदलो, अपनी चीजें बदलो, वैल्यूज के साथ जाओ। अगर अब हम सोचते कि नहीं यार उसने ये बोला, वो टोक रहा, हमारे माता पिता टोक रहे हैं, पतंग है ना पतंग, अगर डोर से बंधा तो पतंग है, अगर डोर टूट गई तो पीस ऑफ पेपर है। तो याद रखना है कि आपके ऊपर है। मेरा लक्ष्य ये नहीं कि मुझे कोई रेसलिंग में ही करना है, मेरा लक्ष्य ये नहीं कि मुझे कोई फिल्म करना, मेरा लक्ष्य ये नहीं कि मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीच में करना, मेरा उद्देश्य ये कि भाई मैं किसी भी फील्ड में देश के लिए कहीं भी कुछ योगदान कर पाऊँ, अपने देश को आगे ले जा पाऊँ, ये मेरा उद्देश्य है। अब मैं जो स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, एमएमए कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, कोई जीतने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उन लाखों बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनकी आंखों में खेल का सपना है, जो चाहते हैं मैं 40s में कर सकता हूँ तो 20s में क्यों नहीं कर सकता। तो जिंदगी में कोई हारना नहीं है, कोई जीतना नहीं है, जिंदगी में सिर्फ सीखना है। तो भैया हमेशा सीखते रहो, परमात्मा सब खुश रखे, आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, और हमेशा आते रहो। जो आजकल के जो युवा ना, जो आप सब एज ऐसी है, अब ढेर सारे वो करेंगे कि भैया ठीक है प्यार मोहब्बत करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, मगर पहले करियर बहुत जरूरी है। अगर गुलाब का फूल देने से बच्चों मोहब्बत होती तो मालिक पूरे शहर का महबूब होता, क्योंकि गुलाब तो वही लेके आता है। और जो ये लव मैरिज वाले होते हैं ज्यादातर, भैया जो दामों कंकड़ वही निकले तो पानी फेंक देते आप सबने। तो अपना एक बैलेंस बना के रखना है। और प्यार में कभी ब्रेकअप नहीं होता है, सासी ब्रेक हो जाती है, ब्रेकअप नहीं होता है, ब्रेकअप होता तो प्यार ही नहीं। तो सारी चीजें जब आप इसी तरीके से करेंगे तो जिंदगी में आगे जा पाएंगे। उनको पढ़ो, जिंदगी है ना कोई ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है, समझना है, खुश रहना है, और बहुत खूबसूरत उसको एंजॉय करना है। तो भैया आप सबका दिन शुभ हो, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर फॉर द इनसाइट्स। मे आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर अंकित के शर्वानी, चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम, एंड डॉक्टर प्रवीण रंजन श्रीवास्तव एंड गेस्ट टू अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन to the top 5 performer of live project of EPG DSL program.